गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत तुलसी निकेतन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक कबाड़ के गोदाम और झुक की झोपड़ियों में आग लग गई। आग लगने की वजह सर्किट बताई जा रही है। वहीं आग लगने से लगभग 3 दर्जन झुग्गियां भी जलकर राख हो गई हैं, जिसमें 15-20 परिवार रहा करते थे। आग से लाखों का नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और जल्द से जल्द इलाके को खाली कराया गया, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की सूचना जब तक दमकल विभाग को दी गई, तब तक आग काफी बढ़ चुकी थी। लोगों ने अपने ही प्रयास से आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। इसी बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने लगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कितना भयंकर आग या धुआं उठ रहा है, जो कि गाजियाबाद के पॉल्यूशन स्तर को बढ़ाने के लिए काफी है। जानकारी के लिए बता दें कि गाजियाबाद लगातार पॉल्यूशन के मामले में अव्वल बना रहता है। ऐसे में पॉलीथिन केमिकल युक्त सामान में आग लगने जहां एक तरफ रहने वाले लोगों की परेशानी का सबक बना है, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद का पॉल्यूशन स्तर भी बढ़ गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर आग 4-5 बार लग चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं है। अम्मा, कितनी बार आग लग चुकी है, आपको क्या नुकसान होता है? कई बार लग गई थी हमारे दुकान, कई बार यहाँ तो 4-5 बार आग लग गई जब से हम रह रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों को कितना खतरा है? अम्मा, सारी दीवार फूट गई हमारी, दोबारा से अभी के सब दोबारा तमाम है इसमें लगा देते हैं, और जब भी आग लगती है जब यही हाल हो जाए हमारे लिए। तो आप लोगों को भी खतरा बना रहता है? मकान इतना तप जावे कि इसमें पूरे पूरे दिन रात और दिन इसमें घुसा तक नहीं जावे, हम बाहर रहते हैं बाहर, ये हाल रहता है इसमें। सारी और बात सब फुक फुक के सब भीतर की भी सारी दीदार खा गई, सारा मकान दीदार खा गया। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। लगभग 6 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये कबाड़ के गोदाम अवैध रूप से यहां पर बने हुए हैं। वहीं राकेश मिश्रा सीओ का कहना है कि जांच के बाद कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जी सर, ये आग लगी डिफेंस कॉलोनी की झुग्गियों में, ये पूरा घटना क्या है? थाना साहिबाबाद क्षेत्र में यहाँ झुग्गी नुमा बना के कुछ कबाड़ी अपना गोदाम बनाए हुए हैं, वहाँ अपना एक्सट्रैक्ट रखते हैं जो बीन के लाते हैं। उसमें आज आग लग गई और सूचना मिलने के तत्काल बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए कई फायर टैंकर यहाँ लगा दिए गए हैं और आग पे काबू पाया जा रहा है, स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है, थोड़ी देर में आग बुझा दी जाएगी। कोई कैजुअल्टी वगैरह तो इस तरह की सूचना नहीं? कोई जनहानि नहीं है। अब इनका जो कबाड़ है वो जो रखा हुआ था उसमें आग लगी है, तो कुछ कबाड़ का नुकसान हुआ। क्या ये बताया जा रहा है कि अवैध गोदामें हैं, तो इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? अब इसमें इस पर लॉ जो होगा वो किया जाएगा।